हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूजलेस इंग्लिश में। यदि अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे का आइकन दबाइए, जिससे आपको मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले। आज के इंग्लिश वोकेबलरी वीडियो में हम सीख रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी नथिंग का मीनिंग और उसको किस प्रकार से यूज करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में हिंदी मीनिंग के साथ। वोकेबलरी नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ना चीज, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, अभाव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका वीडियो लाइक करने से हमें ऐसे ही और यूजफुल वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। देखते हैं नथिंग का सेंटेंस में उपयोग। आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अगला सेंटेंस है, शी डिड नथिंग बट क्राई ऑल डे, शी डिड नथिंग बट क्राई ऑल डे। इसका मतलब है उसने पूरे दिन रोने के अलावा कुछ नहीं किया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।